Assalamu alaikum and a very good morning to my dear students of class 8 and class 9. Today I have giving a lecture on chemistry chapter number 1. Okay, chemistry को पढ़ने से पहले हमें सबसे पहले कुछ डेफिनेशन समझनी पड़ेंगी. We have to understand these basic 5 definitions. अगर इन definitions पे हमारी grip होगी और हमें अच्छे तरीके से पता होगा कि ये क्या हैं, तो chemistry पढ़ना हमारे लिए बहुत ज़्यादा easy हो जाएगा. सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए what the matter is. Matter क्या है? Anything which occupies space and having weight is called matter. आपके पास इस कोई भी चीज़ जगह घेर रही है और वजन रख रही है, वो matter है. तो all around the thing यानी जितनी भी चीज़ें हैं हमारे surroundings में, वो matter है. ठीक है, अब matter की 3 types हैं, solid, liquid एंड गैस. ठीक है, नेक्स्ट ये आपको अच्छे तरीके से पता होनी चाहिए बात मैटर के बारे में. सेकेंडली एलिमेंट्स. अब एलिमेंट्स क्या है? एलिमेंट्स भी मैटर है. ठीक है, अभी हमारे पास इस वक्त अराउंड 109 एलिमेंट्स डिस्कवर्ड हैं, नोन हैं, हम उन्हें जानते हैं, हमें पता है. अब एलिमेंट्स क्या हैं? साइंटिस्ट ने जब डिस्कवर शुरू करना किया चीज़ों को, तो उन्होंने सॉलिड लिक्विड गैस पे एलिमेंट्स को डिस्कवर किया. अब फॉर एग्जांपल, जैसे आप एल्युमिनियम हैं, आपके घर में होता है एल्युमिनियम, आपकी विंडोज़ में यूज़ होता है, डोर्स में यूज़ होता है, आपकी किचन में यूज़ होता है एल्युमिनियम. अब ये तो एक पहले से यूज़ होती भी आ रही चीज़, मगर अब उसे डिस्कवर करना, उसे एलिमेंट के तौर पे जानना, उसकी प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस करना, इसकी प्रॉपर्टीज़ नोन है, क्या इसका मेल्टिंग पॉइंट है, क्या इसका बॉइलिंग पॉइंट है, इन सब चीज़ों पे इसकी नोन है हमें एल्युमिनियम की. तो इसीलिए हम इसे कहेंगे कि ये एलिमेंट बन गया, ये डिस्कवर्ड हो गया. तो इसी तरह साइंटिस्ट ने 109 एलिमेंट डिस्कवर्ड किए. जब मैटर को स्टडी किया तो वो बिकम क्या बन गया, वो एलिमेंट्स बन गए. ठीक है, अब कुछ एलिमेंट्स हमारे पास सॉलिड हैं, कुछ लिक्विड हैं और कुछ गैस हैं. जैसे कि ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन हमारे पास गैस है. ठीक है, नाइट्रोजन हमारे पास गैस है, हाइड्रोजन हमारे पास गैस है. ठीक है, अच्छा सॉलिड हमारे पास मैंने आपसे कहा आयरन है, एल्युमिनियम है. ठीक है, अब लिक्विड है, लिक्विड हमारे पास क्या है, मरकरी. तो ये हमारे पास लिक्विड एलिमेंट्स हैं. सही है, इसी तरीके से अब हमें पता होना चाहिए एटम्स क्या है. एलिमेंट का स्मॉलेस्ट पार्टिकल क्या कहलाता है, एटम. ठीक है, एलिमेंट्स का स्मॉलेस्ट पार्टिकल क्या कहलाता है, एटम. अब इस एटम को भी 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है, यानी इस एटम के अंदर 3 पार्ट्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन. एटम में क्या चीज़ें होती हैं, इलेक्ट्रॉन होता है, प्रोटॉन होता है और न्यूट्रॉन होता है. ठीक है, स्मॉलेस्ट पार्टिकल है एलिमेंट का. ठीक है, ये 3 आपको डेफिनेशंस अच्छे तरीके से पता चल गई. कोई भी चीज़ वजन रखे, जगह घेरे, वो कहलाएगी मैटर. एलिमेंट्स क्या होते हैं, उन मैटर को हमने डिस्कवर्ड कर लिया साइंटिस्ट ने, उनकी प्रॉपर्टीज़ जान गए, उनकी हर क्वालिटीज़ के बारे में जान गए, उनकी कंपोजिशन के बारे में जान गए, तो वो क्या है, एलिमेंट्स बन गए. इसी तरीके से हमारे पास सॉलिड एलिमेंट्स हैं, लिक्विड एलिमेंट्स हैं और गैसियस एलिमेंट्स.
अब हम आते हैं एटम की तरफ। एटम स्मॉलेस्ट पार्टिकल है एलिमेंट का, ठीक है, और इसमें मजीद अंदर उसके और भी स्मॉलेस्ट पार्टिकल है। एटम डिवाइड किस में होता है, इलेक्ट्रॉन में, प्रोटॉन में और न्यूट्रॉन। अब हमें पता होना चाहिए, जैसे हम बात करते हैं हाइड्रोजन एक एलिमेंट है, ठीक है, या फिर आप सब जो है वो ऑक्सीजन को बहुत अच्छे तरीके से सारे बच्चे जानते हैं कि ऑक्सीजन हमारे एयर में होती है, हमारे एनवायरनमेंट में ऑक्सीजन है और हमें सर्वाइव करने के लिए ऑक्सीजन जो है वो हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। तो ऑक्सीजन भी मैटर है, मगर वो एलिमेंट है, कौन सा एलिमेंट है, गैसियस एलिमेंट है, ठीक है, गैस है। अब हम ऑक्सीजन की बात करते हैं तो ऑक्सीजन ये ऑक्सीजन का क्या है, ओ सैम्पल है। हर जगह हम केमिस्ट्री में ऑक्सीजन 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 नहीं लिखेंगे, इसके लिए सैम्पल्स बना दिए गए। तो ऑक्सीजन का सैम्पल ओ है, कार्बन का सैम्पल सी है, ठीक है। अब इसी तरह हर एलिमेंट के अपने अपने सैम्पल्स हैं। अब एटम जो है वो सिंगल है, ठीक है, एटम क्या होता है, सिंगल। कार्बन भी क्या है, एटम सिंगल। अगर मैंने क्या कहा था, स्मॉलेस्ट पार्टिकल है, सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल क्या है, एटम, ठीक है। तो अब आपको एक या दो से ज़्यादा पार्टिकल्स होंगे तो फिर वो क्या बन जाता है, मॉलिक्यूल। अब ये आपने हर जगह देखा होगा ऑक्सीजन O2 लिखा रहता है, ये क्या है, ये ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल है। दो एटम मिलके क्या बना दिया उन्होंने, मॉलिक्यूल्स। मॉलिक्यूल कैसे बनता है, दो या दो से ज़्यादा एटम जब मिलते हैं तो वो क्या बन जाते हैं, मॉलिक्यूल। ये कार्बन का मॉलिक्यूल है, सही है। एटम सिंगल होता है, स्मॉलेस्ट पार्टिकल है, जब दो या दो से ज़्यादा एटम मिले आपस में रिएक्शन करके तो वो क्या बन जाते हैं, मॉलिक्यूल। जैसे क्लोरीन है, अब क्लोरीन जो है ना वो डाईएटॉमिक में होता है, ठीक है, यहाँ पे इस बहुत ज़्यादा रिएक्टिव एलिमेंट है हमारा क्लोरीन, वो अकेले नहीं पाया जाता, वो किसी ना किसी के साथ रिएक्शन कर लेता है। अगर उसे कोई नहीं मिलता रिएक्शन करने के लिए तो ये अपने आप से रिएक्शन करके मॉलिक्यूलर फॉर्म में आ जाता है। तो ये क्या है, क्लोरीन Cl2, ठीक है, तो ये इसका मॉलिक्यूल है। आपको पता होना चाहिए एटम क्या है और मॉलिक्यूल क्या है, जब आप ये सीख जाएंगे तो आगे आपके लिए केमिस्ट्री बहुत इजी हो जाएगी। देन कंपाउंड, कंपाउंड क्या होते हैं, बहुत सारे मॉलिक्यूल्स आपस में मिलके या एलिमेंट्स आपस में मिलके क्या बनाते हैं, कंपाउंड बनाते हैं। एलिमेंट्स आपस में मिलके क्या बनाएंगे, कंपाउंड। जैसे H2O, ये क्या है, ये वाटर का फार्मूला है, किस चीज़ का फार्मूला है, वाटर का। वाटर इज़ अ कंपाउंड, ये कंपाउंड इसे हमने क्यों कहा, हमने इसे कंपाउंड इसलिए कहा कि ये दो एलिमेंट है, एक हाइड्रोजन एक ऑक्सीजन, एक हाइड्रोजन, सही है, हाइड्रोजन के दो हैं और ऑक्सीजन का एक एटम है। तो ये वाटर है, वाटर कंपाउंड है। क्यों कंपाउंड है, जब दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट आपस में रिएक्शन करें तो उसे हम कहते हैं कंपाउंड, ठीक है। NaCl, इसमें से ये क्या है, ये सोडियम है और ये क्लोरीन है, ये भी हमारा एक एलिमेंट है और ये भी हमारा एक एलिमेंट है। इन्होंने रिएक्शन किया आपस में, क्या बन गया, NaCl, ठीक है, क्या बन गया, NaCl, सॉल्ट, नमक। ये है कंपाउंड, कैसे, ये एलिमेंट और ये एलिमेंट, दो एलिमेंट। अच्छा, ये रिएक्शन जो है ये नहीं होगा कि कोई से भी चीज़ किसी भी चीज़ के साथ मिलके रिएक्शन करके कुछ भी वो फौरन कंपाउंड बन गया, इसमें एक जो है वो रेशो होता है कि किसके साथ क्या मिलके कितने रेशो के साथ मिलके कौन सा कंपाउंड बन सकता है। जैसे इसमें रेशो क्या होता है, किस, देखें, सोडियम है, सोडियम 1:1 के रेशो पे क्या बन रहा है, सॉल्ट।
सोडियम भी वन है, यानी इसका एटम है और उसका भी एटम। अब वाटर कैसे बन रहा है, 2:1 के रेशे में। हाइड्रोजन क्या है, 2 है ना, और ऑक्सीजन 1 है, तो ये इसके रेशो में बन रहा है, ये इसके रेशो में। अगर आप पानी को बोलें कि सॉल्ट के रेशो में बन जाए HO, तो ये कभी भी वाटर नहीं बनेगा। तो हम इसीलिए, या फिर हम Na2Cl, ये भी सॉल्ट की सही फॉर्म नहीं आएगी। तो इसका एक ख़ास रेशो होता है, वो आप डिटेल में जाके आगे पढ़ेंगे। मगर मेरा मकसद ये है कि जब आप ये केमिस्ट्री पढ़ना स्टार्ट करें, स्पेशली 8th क्लास स्टूडेंट, तो वो ये ज़रूर नोट करें कि उन्हें ये 5 चीज़ें पता हों, मैटर, एलिमेंट, एटम, मॉलिक्यूल और कंपाउंड। कंपाउंड्स क्या होते हैं, दोबारा बता रही हूँ, जब 2 या 2 से ज़्यादा एलिमेंट्स आपस में रिएक्शन करें खास रेशो में, उसे क्या कहते हैं, कंपाउंड बन जाते हैं। एटम अकेला होता है और मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो 2 या 2 से ज़्यादा एटम आपस में मिलके मॉलिक्यूल बनाते हैं। ये आपकी 5 बेसिक चीज़ें। अब जब ये आप बेसिक चीज़ें कर लेंगे, तो फिर हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, विच इज़ ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री। सो काइंडली ओपन योर बुक पेज नंबर 5, इन विच वी डिस्कस वेरियस ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री। देयर आर सो मैनी ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री, बट हेयर वी आर डिस्कस इन योर बुक द मेन ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री, विच इज अबाउट 9 ब्रांचेस। अंडरस्टैंड? नाउ कम टू द फर्स्ट ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री, विच इज फिजिकल केमिस्ट्री। It is the branch of chemistry that deal with the law and the principle governing the combination of atom and molecules in chemical reaction. इसका क्या मतलब हुआ, ये आप यहाँ से समझिए। Physical chemistry का क्या मतलब है? मैंने आप लोग ने अभी start किए chemistry, इसीलिए मैं आपको दोबारा water का ही आपको reference दूंगी। हाइड्रोजन आपको बताया मैंने एक एलिमेंट है, ठीक है। जब इसके 2 एटम्स मिले तो क्या बन गया, हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल। ये हाइड्रोजन एटम है, जब इसके एक हाइड्रोजन एटम दूसरा हाइड्रोजन एटम क्या बना रहा है, ये मॉलिक्यूल। हाइड्रोजन का क्या बनाया इन्होंने, मॉलिक्यूल बनाया। अब ये हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल ऑक्सीजन के एटम के साथ रिएक्शन करके क्या बना रहा है, वाटर, ठीक है। अब इसी तरीके से ये क्या है, कार्बन, और ये क्या है, ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल। ये दोनों आपस में मिल रहे हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस बना रहे हैं। अब फिजिकल केमिस्ट्री क्या है, फिजिकल केमिस्ट्री जो है वो इसी की स्टडी का नाम है कि कोई कंपाउंड कैसे बना, किस लॉ से बना, किन उस क्या चीज़ इसके ऊपर जो है वो रूल्स इस पे लगे, कोई लॉ होता है। इस तरह नहीं कि कोई भी चीज़ केमिस्ट्री में किसी के साथ कैसे भी रिएक्शन कर लेगी, बल्कि इन्होंने लॉज बनाते हैं कि ये चीज़ इस तरह रिएक्शन कर सकती है और वो वैलिड बात होती है। तो ये हम इसमें पढ़ेंगे फिजिकल केमिस्ट्री में, कॉम्बिनेशन ऑफ एटम एंड मॉलिक्यूल्स क्या है। फिजिकल केमिस्ट्री क्या चीज़ की स्टडी है, इज द स्टडी ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। कोई भी चीज़ है, जैसे फॉर एग्जाम्पल सॉल्ट है, आपके घर में क्या आ रही है, गैस आ रही है, मीथेन गैस आ रही है, सुई गैस को हम कहते हैं मीथेन गैस, ठीक है। ये ऑक्सीजन, ये कंपाउंड्स है ना, तो ये किस तरह से कंबाइन हुए, किस लॉ से हुए, किस तरीके से हुए तो ये बने, फिर ये
वेरीफाई हुए, तो ये इसको हम इनकी स्टडीज़ को कि क्या चीज़ किससे किस तरह मिलके बनती है, उस स्टडी को हम क्या कहते हैं, फिजिकल केमिस्ट्री कहते हैं। यहाँ पढ़िए, कॉम्बिनेशन ऑफ एटम एंड मॉलिक्यूल्स इन केमिकल रिएक्शन, लॉज। लॉज क्या होते हैं? लॉज माने जो रूल्स बनाए जाते हैं कि इस तरह होगा, ये इस तरह होगा। आगे आप सेकेंड चैप्टर में लॉज पढ़ेंगे कि कोई भी चीज़ रिएक्शन करने से पहले जिसका जो वेट होता है, वो रिएक्शन करने के बाद भी वही वेट होता है, वो क्या है, वो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास है। इसी तरह केमिस्ट्री बहुत सारे लॉज हैं जिनके तहत रिएक्शन होते हैं, तो इनको पढ़ना, कैसे रिएक्शन हुआ, क्या चीज़ किससे कितनी मिकदार में मिलके बनी, ये कहलाएगी हमारी फिजिकल केमिस्ट्री। नेक्स्ट आ जाइए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या है? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री किस वर्ड से निकला है? ऑर्गन। ऑर्गन क्या होते हैं? हमारे होते हैं लिविंग थिंग्स के ऑर्गन होते हैं ना, प्लांट्स के होंगे, एनिमल्स के होंगे, ऑर्गन किसके होंगे? लिविंग थिंग्स के। तो लिविंग थिंग्स किससे रिलेटेड जो हम पढ़ेंगे, स्टडी करेंगे केमिस्ट्री को, उसे हम कहेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। एक्चुअली ये केमिस्ट्री होती है कार्बन की, इसमें हम कौन से कंपाउंड्स को स्टडी करते हैं? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम कार्बन के कंपाउंड्स स्टडी करते हैं और हाइड्रोकार्बन्स। अब हाइड्रोकार्बन्स क्या है? जिसमें हाइड्रोजन और कार्बन दोनों का रिएक्शन हो, दोनों चीज़ें मौजूद हों, हम इसे क्या कहेंगे? हाइड्रोकार्बन। और कार्बन कंपाउंड्स, इनकी स्टडी को कहेंगे हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। अब आ जाते हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री को। अच्छा, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री एक्चुअली इज द केमिस्ट्री ऑफ नॉन लिविंग थिंग। हमारे पास जो भी चीजें आ रही हैं, या तो वो प्लांट्स से आ रही हैं, या वो एनिमल्स से आ रही हैं, या फिर वो हमारे पास मिनरल्स के फॉर्म में आ रही हैं। जैसे सपोज कि आपकी फूड जो है वो आप या तो प्लांट से ले रहे हैं अपना, या एनिमल से ले रहे हैं, या आपकी रोज़मर्रा की चीज़ें, जैसे आप अपनी टेबल यूज़ कर रहे हैं, कबर्ड यूज़ कर रहे हैं, वो कहाँ से है? वो प्लांट से आ रही है ना, प्लांट के ट्री के जो है वो वुड से बन रही है, लकड़ी से बन रही है। इसी तरह कुछ चीज़ें मिनरल्स हैं। अब आप सोचेंगे आयरन लोहा कहाँ से आया, तो वो हमने मिनरल्स की फॉर्म में आया। मिनरल्स माने हम ज़मीन के नीचे से निकालते हैं, गोल्ड हम ज़मीन के नीचे से निकाल रहे हैं, सिल्वर हम गोल्ड उसके ज़मीन के नीचे से निकाल रहे हैं, एल्युमिनियम, कॉपर, ये सब चीज़ें हम यूज़ कर रहे हैं अपनी ज़िंदगी में, स्टील, ये हम सब कहाँ से निकाल रहे हैं? स्टील जो है वो आयरन के साथ मिलके किसी के साथ कॉम्बिनेशन बन करके बनता है। तो ये सब चीज़ें या तो हमें प्लांट से मिलती हैं, या एनिमल से मिलती हैं, या नॉन लिविंग थिंग कहाँ से मिल रही है हमें? मिनरल्स। तो जो हम लिविंग थिंग की स्टडी कंपाउंड्स कर रहे हैं ना, कार्बन के कंपाउंड्स, वो हो जाएगी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज द केमिस्ट्री ऑफ ऑल एलिमेंट्स एंड कंपाउंड। इसमें हम तमाम एलिमेंट्स और कंपाउंड की स्टडी करते हैं। अब मैंने आपको बताया था एलिमेंट ये होता है, एक को यानी सैम्बल से एक के हम बताएंगे, कार्बन का सैम्बल है, हाइड्रोजन का सैम्बल है, सोडियम का सैम्बल है, ऑक्सीजन का है, क्लोरीन का। अब कंपाउंड मैंने आपको बताया था एलिमेंट्स आपस में मिलके क्या बनाते हैं, कंपाउंड। तो ऑल एलिमेंट्स एंड कंपाउंड की स्टडी क्या कहलाती है? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहलाती है। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहलाती है ऑल एलिमेंट्स एंड कंपाउंड की स्टडी। अब आ जाते हैं एनालिटिकल केमिस्ट्री की तरफ। ये कौन सी केमिस्ट्री होती है? एनालिटिकल वर्ड्स निकला है एनालिसिस से। एनालिसिस क्या है? तजजिया करना, एनालाइज करना। जिस तरह आपके जो एंकर पर्सन टीवी में बैठे होते हैं, वो हालात को देख रहे होते हैं और फिर अपने लफ्ज़ों में वो बता रहे होते हैं कि ये ऐसा हो सकता है, अब मुल्क के हालात ऐसे जा सकते हैं, अब ये ऐसा हो सकता है, अब ये इस तरह से हो सकता है, तो वो एनालाइज कर रहे होते हैं, वो अपना तजिया निकाल रहे होते हैं अपने देख कर, अपने एक्सपीरियंस को, मुल्क के हालात को। इसी तरीके से एनालिटिकल केमिस्ट्री जो है वो एनालाइज करना, मतलब
कि हम इसको किस तरह से एनालाइज करेंगे, क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव दो तरीके की एनालिटिकल केमिस्ट्री होती है। उसमें सपोज एक हमारे पास मीथेन, मैंने आपको बताया मीथेन गैस जो है वो हमारे घरों में आती है, इसे हम कहते हैं मीथेन गैस। अब दो तरह की एनालिटिकल केमिस्ट्री होती है, क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव। जैसे CH3, सी क्या है कार्बन, एच क्या है हाइड्रोजन, एच के कितने मॉलिक्यूल्स हैं, तीन, तीन आइटम है यहाँ पे। अच्छा अब एक बात बताएं, क्वालिटेटिव में क्या हम मेजर कर रहे हैं, हम मेजर कर रहे हैं इसमें क्या क्या चीज़ें हैं, इसमें कार्बन है मीथेन में और हाइड्रोजन है। तो ये हमारी, हमने इसे नोट कर लिया कि इसके अंदर क्या क्या चीज़ें हैं, इसकी क्या क्वालिटी है, इसके अंदर कार्बन वाली क्वालिटीज होंगी, हाइड्रोजन वाली क्वालिटी होगी। ये एक फार्मूला है कैल्शियम कार्बोनेट चूने के पत्थर लाइमस्टोन का, ठीक है। अब इसके अंदर क्या क्या चीज़ें, कैल्शियम है इसके अंदर, कार्बन है इसके अंदर, ऑक्सीजन इसके अंदर, तीन चीज़ें, तीन चीज़ों से मिलके जो है ना ये एक कंपाउंड बन रहा है। इसी तरीके से हमारे पास एक एसिड है HCl, तो एक इसके पास H है, इसके पास Cl है। ये चीज़ें देखना कि ये किन किन चीज़ों से मिलके ये स्टडी हो रही है, तो हम उसे कहेंगे कि इस स्टडी को कहेंगे एनालिटिकल केमिस्ट्री, के कंपाउंड को देखना, स्टडी करना। अब क्वांटिटेटिव क्या होता है, क्या चीज़ कितनी मिकदार में इसमें है। जैसे हम ऊपर वाले की बात करते हैं CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट की, तो कैल्शियम सिंगल एटम, कार्बन सिंगल एटम, बट ऑक्सीजन इज ट्राई, सही है। यहाँ पे कितने ऑक्सीजन है, तीन ऑक्सीजन है, तो ये हमारे क्या कहलाएगा, कैल्शियम कार्बोनेट। इसी तरह मीथेन, सी है इसमें, एच है मगर सी सिंगल है, एच कितना है तीन, तो हम कहेंगे। इसी तरीके से एनालाइज करना, हमारे इर्द गिर्द बहुत सारी चीज़ें हैं, उसमें हमें केमिस्ट्री को इन्वॉल्व करना, देखना उसकी केमिकल्स निकालना। फॉर एग्जांपल वाटर, वाटर का भी निकाला, एनालाइज किया कि इसका ये फार्मूला है, मिल्क का फार्मूला निकालना, ब्लड में क्या क्या चीज़ें होती हैं, ब्लड में क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं, रेड सेल होते हैं, ब्लड सेल्स होते हैं, तो उसमें रेड है सेल है, वाइट सेल है, प्लेटलेट्स हैं, और भी क्या क्या चीज़ें निकालना, सॉइल के अंदर कौन कौन से केमिकल्स आ जाते हैं। इसी तरीके से हर चीज़ को देखना कि इसके किस चीज़ से मिलके बनी है, इसमें कौन कौन से एलिमेंट्स हैं और कितनी मिकदार में ये एलिमेंट्स हैं, इसका एनालाइज करना, ये होता है एनालिटिकल केमिस्ट्री। नाउ कम टू द अनदर ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री, दैट इज बायोकेमिस्ट्री। इट इज़ अ ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री दैट डील विद द कंपाउंड्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, लिविंग ऑर्गेनिज्म के कंपाउंड्स। जब भी आप कोई खाना खाते हैं अपनी बॉडी में, आपका खाना जो है वो फूड अंदर जाके मुख्तलिफ पीसेस में ब्रोकन डाउन हो जाता है, फिर उसमें केमिकल रिएक्शंस होते हैं, आपकी बॉडी में बहुत सारे एंजाइम्स होते हैं, आपकी बॉडी में बहुत सारे जूसेस सीक्रेट्स होते हैं, वो उस पर रिएक्शन करते हैं, फिर फूड पर कुछ रिएक्शन होता है, फिर वो ग्लूकोज बनता है, फिर वो ब्लड में शामिल होता है, तो पूरी बॉडी का मेटाबॉलिज्म, ये फूड का ब्रोकन डाउन होना स्मॉल पार्ट्स में केमिकली और फिर आपकी ब्लड में शामिल हो जाना, नो वो क्या होता है, इसकी स्टडी को हम कहते हैं बायोकेमिस्ट्री, लिविंग ऑर्गेनिज्म की केमिस्ट्री को हम क्या कहेंगे। अच्छा बायोकेमिस्ट्री के जो मेन जो है वो मेडिसन्स पे होता है। अब आपकी बॉडी में कौन कौन से केमिकल्स हैं, कौन सा केमिकल किसके साथ कैसे रिएक्शन करता है। अब आपको कोई डिजीज़ हो जाती है या प्लांट्स को कोई डिजीज़ हो जाती है या अदर एनिमल को, तो कौन सी डिजीज़ के में कौन से जो है वो केमिकल्स बने और कौन से केमिकल्स उस डिजीज़ के जर्म्स को किल कर सकते हैं, तो वो मेडिसिंस बनाते हैं, तो मेडिसिनल केमिस्ट्री जो है वो कहलाती है एक्चुअली बायोकेमिस्ट्री। इट्स द ऑल अबाउट लिविंग थिंग एंड chemicals involved in the body of living thing. Next आप आ जाइए industrial chemistry में, जिसमें हम तमाम उन चीज़ों के बारे में पढ़ते हैं जो कि industries में बनती है। Turn the page, come to the page number 6. Chemical industries में क्या क्या चीज़ें बनती हैं। अब glass,
शीशा बन रहा है, सीमेंट बन रहा है। अब आप कहें सीमेंट में तो कोई केमिकल नहीं है, तो नहीं, बहुत सारे चीज़ें, बहुत सारे केमिकल रिएक्शंस हो के फिर सीमेंट बनती है, बहुत ज़्यादा केमिकल रिएक्शन हो के फिर गिलास बनता है, शीशा बनता है। इसी तरह आपका पेपर जो बनता है, प्लास्टिक बनती है, मेडिसिन, बहुत सारे ब्लीच बन रहे हैं, एसिड्स बन रहे हैं। अब ब्लीच क्यों बन रहे हैं इंडस्ट्रीज़ में, क्योंकि वो क्लॉथ्स की ब्लीचिंग के लिए काम आते हैं, जो हमारे यानी गारमेंट फैक्ट्रीज़ में जो इंडस्ट्रीज़ हैं हमारी गारमेंट की, उसमें जो है वो ड्रेसेस ब्लीच होते हैं, यानी कपड़ा ब्लीच किया जाता है, फिर उसको प्रिंट करा जाता है। तो ब्लीच भी हमें एक बड़ी क्वांटिटी में चाहिए, मेडिसिंस चाहिए हमें बड़ी क्वांटिटी में, सीमेंट हम इंडस्ट्री में बना रहे हैं। गिलास की देखें आप, गौर करें, ये वो चीज़ें हैं जो अल्लाह ताला की तरफ से हमें नहीं मिल रही, ये हम खुद बना रहे हैं इंडस्ट्रीज़ में, केमिकल्स बना रहे हैं ना। जैसे प्लास्टिक है, प्लास्टिक आपको कहाँ क्या पौधे से मिल रहा है, एनिमल से मिल रहा है, या आपको मिनरल्स मिल रहे हैं? नो, मेडिसन्स आप खुद बना रहे हैं ना, मुख्तलिफ चीज़ें एलिमेंट्स यूज़ करके। तो इंडस्ट्रियल क्या केमिस्ट्री है, एलिमेंट्स को हम यूज़ कर रहे हैं, उसको देख रहे हैं कि क्या चीज़ किस तरह बनेगी। आपकी कोई भी एक मेडिसन होती है वो हज़ारों तरीके के केमिकल रिएक्शंस को एक्सपेरिमेंट करने के बाद एक मेडिसन बनती है। इसी तरीके से आपकी कॉस्मेटिक्स हैं, आप देखने में लगेगा ये तो सिर्फ जस्ट अ लिपस्टिक है या जस्ट अ टैल्कम पाउडर है या कोई सी भी चीज़ है, मगर आप अगर उसके पीछे उसके इंग्रेडिएंट्स पढ़ेंगे तो तमाम केमिकल इंग्रेडिएंट्स होते हैं उसके अंदर। कोई भी आप अपनी कॉस्मेटिक की प्रोडक्ट उठाएं अपने घर से और उसके पीछे आप देखें इंग्रेडिएंट्स, तो आपको सारे केमिस्ट्री के इंग्रेडिएंट्स उसमें नज़र आएंगे। अगर आप अपनी मेडिसिन उठाते हैं उसके इंग्रेडिएंट्स देखें, तमाम केमिस्ट्री के होंगे। इसी तरीके से जब ये कागज़ बनता है, पेपर बनता है, तो ये भी केमिकली बहुत सारे प्रोसेस से होकर फिर ये एक पेपर बना है। ये हमें दरख्तों से नहीं मिल रहा, ये हमें एनिमल से डायरेक्ट पेपर नहीं मिल रहा, हमें जो है मिनरल से नहीं मिल रहा, दरख्तों से इस तरह मिल रहा है कि हम इसकी वुड यूज़ करते हैं, मगर किस तरह, कितने केमिकल रिएक्शंस होने के बाद ये पेपर बना है। तो ये वाली केमिस्ट्री जिसमें हम इंडस्ट्रीज़ में बहुत सारी चीज़ें प्रिपेयर करते हैं, हम उसे कहेंगे इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री। अब आ जाते हैं एनवायरमेंटल केमिस्ट्री की तरफ। एनवायरमेंटल केमिस्ट्री क्या होती है, आपके एनवायरमेंट में जो कुछ भी रिएक्शंस हो रहे हैं, जो कुछ भी हो रहा है, वो क्या है, एनवायरमेंटल केमिस्ट्री, सही है, उसमें जो भी केमिकल रिएक्शंस हो रहे हैं। फॉर एग्जांपल, बहुत सिंपल से एग्जांपल है, प्लांट है, प्लांट आप सबको पता है सूरज की रोशनी में, सनलाइट में अपना फूड खुद प्रिपेयर करते हैं, तो क्या बना रहे हैं, वो कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो आपको ले रहे हैं आपसे, एनवायरमेंट से, हमारे माहौल से क्या ले रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड ले रहे हैं और ऑक्सीजन आपको दे रहे हैं, गिवन आउट कर रहे हैं, ये केमिकल आ गए, ये केमिस्ट्री आ गई यहाँ पे, दैट इज़ एनवायरमेंटल केमिस्ट्री। आपकी इंडस्ट्रीज़ हैं, कितना पोल्यूशन निकाल रही हैं, कितने, अब मैंने आपको अभी क्या पढ़ाया, इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री पढ़ाई ना, तो इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री में क्या होता है कि बहुत सारे केमिकल्स बन रहे हैं, तो वेस्ट प्रोडक्ट भी होता है, ज़ाया भी जाते हैं, तो कहाँ जाते हैं ये लोग, सीज में छोड़ देते हैं, वो पोल्यूशन, समंदरी पोल्यूशन, हवा में कितनी गैसेस हैं, कितने ज़्यादा पोल्यूशन है, ये सब हमारे लिए डेंजरस है, इनमें केमिकल्स हैं, हर चीज़ में केमिस्ट्री इन्वॉल्व है। क्योंकि बात वहीं से शुरू होती है कि हर चीज़ मैटर है, हर चीज़ जगह घेर रही है, वजन रख रही है। अब मैटर है तो वो डिस्कवर्ड हो गया, अब एलिमेंट्स बन गई, तो हर चीज़ में केमिस्ट्री है। तो हमारे एयर में जितने केमिकल्स हैं, बहुत सारी गैसेस हैं, हाइड्रोजन, कार्बन, नाइट्रोजन, नियोन, ज़ीनॉन, हर चीज़ है। तो इस इतने सारे केमिकल्स की स्टडी, उनका हम पे असर, प्लांट्स पे असर, एनिमल्स पे असर, उनका एनवायरनमेंट पे असर, उन केमिकल्स का, वो दैट इज़ कॉल्ड एनवायरमेंटल केमिस्ट्री। अच्छा, अब आ जाते हैं पॉलीमेरिक केमिस्ट्री की तरफ। एक केमिस्ट्री रह गई न्यूक्लियर केमिस्ट्री, मैं भी आपको पढ़ाती हूँ। पॉलीमेरिक केमिस्ट्री क्या होती है, पॉलीमर क्या होता है, सबसे पहले आप समझ लें, पॉलीमर जो होता है ना, वो छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स को मिला के कोई एक नई चीज़ बनाना, ये देखिए छोटे 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 मॉलिक्यूल्स बनाए तो वो एक पॉलीमराइज्ड हो गया, एक नई चीज़ बन गई, तो हम उसे क्या कहेंगे, पॉलीमेरिक केमिस्ट्री। हम प्लास्टिक बनाते हैं, फाइबर बना रहे हैं, पेपर बना रहे हैं, वही इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री की तरह होती है, जब
नई चीज़ को डेवलप करना, छोटे छोटे चीज़ों को सब्सटेंस को लेकर, दैट इज़ कॉल्ड पॉलीमेरिक केमिस्ट्री। पॉलीमेरिक केमिस्ट्री ज़्यादातर इसमें प्लास्टिक की सेंट्रिटिस होती है, यानी कि प्लास्टिक बनता है पॉलीमेरिक, सही है, केमिस्ट्री। अब आ जाते हैं हम न्यूक्लियर केमिस्ट्री की तरफ। न्यूक्लियर केमिस्ट्री क्या है? कोई भी एटम है उसके अंदर न्यूक्लियस होता है, ये एटम का आपका स्ट्रक्चर है, इसके अंदर क्या होता है? न्यूक्लियस। अभी मैंने आपको बताया था एटम के तीन हिस्से, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन। ये इलेक्ट्रॉन यहाँ मूव कर रहे हैं, प्रोटॉन जो है वो कहाँ होता है? न्यूक्लियस में। इसके अंदर जो ये चीज़ है ये क्या है? न्यूक्लियस है, सही है, और ये इसके शेल्स है। तो अब हमारे पास कुछ एलिमेंट्स ऐसे हैं जो हाईली रेडियो एक्टिव है, यानी जिनके अंदर से खुद ब खुद रेज निकल रही हैं, शुआएँ निकल रही हैं, तो वो क्या कहलाते हैं? हमारे पास रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स कहलाते हैं। तो उनकी रेडिएशंस को हमने यूज़ किया है, केमिस्ट्री ने उसको हमें इस काबिल कर दिया है कि उन एलिमेंट्स की हम यूज़ कर सकें। तो वो कहाँ यूज़ होते हैं? न्यूक्लियस से बहुत ज़्यादा तेज शुआएँ निकल रही हैं, रेस निकल रही हैं, वो कहाँ यूज़ हो रही हैं? एटॉमिक एनर्जी में। एटम बॉम्ब्स बन रहे हैं, कंट्रीज जो है वो डेवलप हो रहे हैं, अपनी डिफेंस पावर अच्छे कर रहे हैं, यानी कि आपके ऊपर कोई भी एनिमी जो है वो आने से पहले ये सोचता है कि नहीं, इस कंट्री के पास एटॉमिक पावर है, सही है। एटम बम आप लोगों ने सुना होगा, एटम बम किस तरह बनता है? यही रेडिएशंस को यूज़ करके, ठीक है, न्यूक्लियर रेडिएशन को यूज़ करके। अच्छा, अब रेडिएशंस जो है हमारी डिजीज़ को कवर करने में काम आ रही हैं। जैसे एक बीमारी है आप सब जानते होंगे, कैंसर। अब जब कैंसर होता है किसी को, तो उसकी बॉडी के सेल्स सारे डिस्टर्ब हो जाते हैं, सारे आगे पीछे हो जाते हैं, अपने जिस तरीके से वो बनते हैं उस तरीके से नहीं बनते, बहुत तेज़ी से बनते हैं या बहुत स्लोली बनते हैं, ये सारे निज़ाम डिस्टर्ब हो जाता है। तो हमें उस डिज़ीज़ को कवर करने के लिए एक जो है साइंटिस्ट ने एक तरीका निकाला है रेडिएशंस का। रेडिएशंस के ज़रिए हम क्या करते हैं, जो कैंसर के सेल्स होते हैं, कौन से सेल? कैंसर सेल्स को हम बर्न कर देते हैं। ये रेडिएशंस इतनी हाई होती हैं कि अगर किसी हमारे हाथ पे भी लग जाए तो हमारा हाथ फौरी तौर पे जल जाए, ख़राब हो जाए। तो इन रेडिएशंस को हम किसके लिए यूज़ करते हैं? कैंसर सेल्स को डाई करने के लिए, सही है। तो न्यूक्लियर केमिस्ट्री क्या? इज़ द स्टडी ऑफ रेडिएशंस। रेडिएशंस कहाँ से आती हैं? हमारे पास बहुत सारे एलिमेंट्स ऐसे हैं जो खुद ब खुद जिनमें के न्यूक्लियस में से रेडिएशंस निकल रहे हैं। तो हम उसको किस तरह से काम में लेकर आए? केमिस्ट्री की वजह से एटॉमिक एनर्जी बनाई, डिजीज कवर की, और भी बहुत सारे काम किए। तो हम उसे क्या कहते हैं? और ये रेडिएशन नज़र नहीं आते, तो हम उसे कहते हैं न्यूक्लियर केमिस्ट्री। नाउ टुडे वी हैव कम्प्लीटेड इन डिटेल टॉपिक ऑफ ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री। मैंने आपको बहुत डिटेल में समझाया केमिस्ट्री की ब्रांचेस को। अब आपने इन ब्रांचेस को लर्न करना है, फिजिकल ब्रांच, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक, एनालिटिकल, बायोकेमिस्ट्री, इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री, ये सब डेफिनेशन यहाँ पे प्रॉपरली लिखी है, ना ज़्यादा लिखी है ना कम, यही डेफिनेशन आपने याद करनी है। न्यूक्लियर केमिस्ट्री, इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री, पॉलीमेरिक केमिस्ट्री, यहाँ से यहाँ तक ये आपने इसे लर्निंग करनी है। नेक्स्ट वीडियो में हम साइंटिफिक अप्रोच इन केमिस्ट्री को रीड करेंगे, और केमिस्ट्री और सोसाइटी का क्या रिलेशनशिप है आपस में, वो हम स्टडी करेंगे। टिल देन टेक वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्फ। अल्लाह हाफिज़।